हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों चीन भारत के खिलाफ इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बात आप खुद सोचो, ऐसा कहा जाता है चीन 30 साल आगे की सोचता है, तो आपने यह कैसे सोच लिया कि चीन इंडिया के खिलाफ बिना सोचे ये सब कर रहा है? क्या चीन इतना बेवकूफ है कि भारत ऐसे इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से पूरा रिश्ता खराब कर ले? इसके पीछे चीन का बहुत सारा डर है और बहुत गहरा चाल है, जिसे मैं आपको फैक्ट के साथ समझाऊंगा। देखो, चीन हमें आज से नहीं घेर रहा है, सालों से हमें आइसोलेट करने की कोशिश में लगा है और बहुत जगह वो कामयाब भी हो चुका है। चाहे वो पाकिस्तान में मिलिट्री बिल्डअप का हो, या मालदीव के आइलैंड को लीज पे लेना, या फिर श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में पोर्ट बनाना हो। चीन अच्छे से जानता है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका से बड़ा प्रतिद्वंदी होगा चीन का। उसके वजह से चीन को अपने सिक्योरिटी को लेके डर सता रहा है। भारत ने कुछ सालों में अपने सिक्योरिटी को लेके काफी बड़े कदम उठाए हैं, जिससे चीन सबसे ज्यादा चिंतित है। पहला कारण यह है कि जब से चीन में कोरोना वायरस फैला है, तो वहां के लोग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से काफी गुस्सा हैं, और उसके साथ वहां करोड़ों लोग बेरोजगार भी हुए हैं। उसके साथ साथ जिनपिंग से अपने पार्टी के कई नेता खपा है, तो चीन ऐसे हर देश के साथ एग्रेशन दिखा के अपने लोगों में यह दिखाना चाहता है कि सब हमारे खिलाफ हैं, ताकि चीनी लोग एकजुट हो और जिनपिंग का साथ दे। दूसरा कारण यह है कि कई सारे देश ने अपने बड़े बड़े कंपनी को चीन से बाहर निकलने के लिए बोल दिया है, और भारत इस पे काफी एक्टिवली काम कर रहा है ताकि ज्यादातर कंपनी भारत में आए। चीन यह नहीं चाहता कि भारत एक सेफ डेस्टिनेशन बने इन सब कंपनी के लिए, इसलिए वह भारत को एक अनस्टेबल कंट्री दिखाना चाहता है, और यह करने के लिए वह पाकिस्तान का भी साथ ले रहा है पूरे तरीके से। तीसरा कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है भारत का तेजी से बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। जब से हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यह बोला है कि अक्साई चीन लेने के लिए हम अपनी जान तक भी दे सकते, तब से चीन की रातों की नींद चली गई है। चीन को यह लगता है भारत के मिलिट्री काफी एक्सपर्ट है पहाड़ों पर युद्ध करने के लिए, कहीं अगर भारत ने अक्साई चीन पे अटैक करके कब्जा कर लिया, तो उसके पास से गुजर वाले काराकोरम पास, जो चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है, वह खतरे में पड़ जाएगा। उससे चीन का सप्लाई चेन भी कट जाएगा सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के लिए। वैसे आप देखो तो यह पूरा प्रोजेक्ट चीन का करीब $5 ट्रिलियन का है, जो हमारे भारत के जीडीपी से करीब करीब दो गुना है। चौथा बड़ा कारण है भारत का पूरे तरह से वेस्टर्न कंट्री की तरफ झुकाव। भारत ने कुछ सालों में कई डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किए हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कुछ चाइना के नेबरिंग कंट्री के साथ। भारत यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलिट्री बेस यूज करने पर भी संधि कर चुका है, और उम्मीद है जापान के साथ भी जल्दी कर लेगा। चीन का सबसे बड़ा डर है क्वाड ग्रुप, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। क्वाड ग्रुप के सामने चीन एकदम विवश पड़ गया है, तो चीन यह सोच रहा है कि भारत को बॉर्डर पे डराएंगे तो भारत इस ग्रुप से पीछे हटेगा। लेकिन चीन भारत के सॉफ्ट पावर को भारत के कमजोरी समझ के भूल कर गया और उसका दांव उल्टा पड़ गया। क्वाड ग्रुप इस समय देखा जाए तो चीन की हर मोर्चे पे घेराबंदी कर रहा है पूरे ताकत से। यह सब मेन कारण है जिससे चीन बिलबिलाया हुआ है और पागलपन कर रहा है। लेकिन इस बार चीन का एग्रेशन उसे बहुत भारी पड़ रहा है, अब उससे ना आगे जाने में बन रहा है और ना पीछे। चीन के लिए यही सही होगा, वो भारत से नहीं उलझे, वरना पूरे तरह से उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर भारत चीनी भाषा में उसे जवाब देना शुरू कर दे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह से।